Hello everyone, good morning. Welcome to Shree Shraddha English Medium School online classes. My name is Jignasha Kalani. मैं आप सबको संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ स्टैंडर्ड 6. लास्ट लेक्चर में हम सभी ने चित्रपदानी 1 और चित्रपदानी 2 के बारे में पढ़ा था, ठीक है. तो आज इसके आगे मतलब कि चित्रपदानी 3 और चित्रपदानी 4 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, ठीक है. तो अभी हम जो चित्रपदानी 1 और 2 में जो हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं. चित्रपदानी 1 और 2 में हमने क्या देखा था? 1 और 2 में हमने देखा था कि 3 टाइप्स ऑफ जेंडर्स होते हैं. कितने टाइप के जेंडर होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ जेंडर. फर्स्ट मस्कुलाइन जेंडर, सेकंड फेमिनाइन जेंडर एंड थर्ड न्यूटर जेंडर. मतलब कि मस्कुलाइन जेंडर जो है उसमें अकारांत पुल्लिंग आता है और फीमेनाइन जो जेंडर है उसमें आकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग आता है. और अभी ये फर्स्ट और सेकंड जेंडर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. तो अभी हम थर्ड जेंडर यानी कि जो न्यूटर जेंडर है जिसको नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं उसके बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है. लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर. चित्रपदानी 3. तो चित्रपदानी 3 में कौन सी जेंडर के बारे में हम पढ़ेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जो न्यूटर जेंडर है उसके बारे में पढ़ेंगे. न्यूटर जेंडर में जो कोई भी वर्ड होगे उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में के पीछे अकारांत नपुंसकलिंग लिखा जाएगा. जैसे कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चित्रपदानी 3 फर्स्ट लेटर रत्न म. तो देखिए जो लास्ट जो लेटर है वो है म और म के बाद जो प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं वो आता है अ यानी कि रत्न म अ ऐसा बोलते हैं. मैंने जब बेसिक लेक्चर दिया था तभी मैंने आपको समझाया था कि संस्कृत जो लैंग्वेज है उसमें 13 वोवेल्स और 33 कॉन्सोनेंट्स आते हैं. बिना वोवेल्स के कोई भी कॉन्सोनेंट्स कंप्लीट नहीं होते क्योंकि हम कोई भी वर्ड बोलते हैं तो उसके पीछे वोवेल्स लगते ही लगते हैं, ठीक है. इसी तरह से वोवेल्स के बिना कोई भी वर्ड कंप्लीट नहीं होते. तो फर्स्ट हमने देखा रत्न म. रत्नम मीन्स ज्वेल. ज्वेल यानी कि जो ज्वेलरी हम पहनते हैं ज्वेलरी बोलते हैं इस तरीके से उसका एक अर्थ रत्नम. रत्नम इट मीन्स ज्वेल. सेकंड जो है वो है छत्रम. छत्रम इट मीन्स अम्ब्रेला, ठीक है. बारिश में हम जो छाता लेके घूमते हैं उसको इंग्लिश में अम्ब्रेला बोलते हैं और उसका जो संस्कृत वर्ड है वो है छत्रम. थर्ड वाला जो है वो है पुष्पम. पुष्पम यानी कि इसमें भी देखिए लास्ट वाला जो है वो म है और म के नीचे जो ये लाइन दिख रही है आपको इसका मतलब ये है कि ये वाला जो अक्षर है ये वाला जो लेटर है वो थोड़ा आधा है क्योंकि इसके पीछे हम जो प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं अ ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है. तो इसलिए पुष्पम. तो पुष्पम इट मीन्स फ्लावर. पुष्पम इट मीन्स फ्लावर. फोर्थ वाला जो है उसमें है उरुकम. प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? उरुकम. उरुकम इट मीन्स ट्रेसर्स. उरुकम इट मीन्स ट्रेसर्स. फिफ्थ जो है वो है धनम. धनम धनम इट मीन्स मनी. यू ऑल नो दैट विदाउट मनी पैसों के बिना तो कोई भी काम हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम सभी के लिए पैसे इंपॉर्टेंट है, हम सभी को पता है, ठीक है. तो पैसे को इंग्लिश में बोलते हैं मनी और इसका संस्कृत में जो है ट्रांसलेशन वो होता है धनम. क्या बोलते हैं उसको? धनम. सिक्स जो है वो है पुस्तकम. पुस्तकम इट मीन्स बुक. जो हम पढ़ाई करते हैं तो बुक का जो संस्कृत है वो होता है पुस्तकम. सेवंथ जो है वो है लशुनम. क्या बोलते हैं उसको? लशुनम. लशुनम इट मीन्स गार्लिक. लशुनम इट मीन्स गार्लिक. एट्थ वाला जो है वो है सिवन यंत्रम. ये लेटर आप देखिए और इसके पीछे भी क्या लगाया हुआ है? म. क्योंकि ये चित्रपदानी 3 है न्यूटर जेंडर में आता है म के बाद प्रोनाउंसिएशन में अ लगाया जाता है इसलिए इसको बोलते हैं शिवन यंत्रम.
सीवन यंत्रम इट मीन्स शिविंग मशीन, जो सिलाई मशीन है जिसके थ्रू क्या होते हैं कपड़े को सिए जाते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं शिविंग मशीन, और उसका संस्कृत वर्ड है सीवन यंत्रम। नाइन्थ जो है वो है विमानम, विमानम इट मीन्स एरोप्लेन। टेंथ लोकयानम, लोकयानम मीन्स बस, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं सवारी करते हैं, बस के थ्रू हम कहीं भी आ जा सकते हैं इजीली, ठीक है। तो उसको बस, और बस का जो संस्कृत वर्ड है वो है लोकयानम। इलेवंथ है कृष्ण फलकम, कृष्ण फलकम इट मीन्स ब्लैक बोर्ड, ठीक है। यहाँ पे हम जिस बोर्ड पे अभी पढ़ाई कर रहे हैं इसको बोलते हैं ग्रीन बोर्ड। इसके अलावा भी जब भी आप क्या करते हो कहीं भी पढ़ाई करने जाते हो तो आपने ब्लैक बोर्ड भी देखा होगा, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड का संस्कृत वर्ड है वो है कृष्ण फलकम। ट्वेल्थ है सकटम, सकटम इट मीन्स ब्लॉक कार्ट, क्या बोलते हैं उसको ब्लॉक कार्ट, जो बड़द आगे बेल होता है और बेल के पीछे जो लकड़े की गाड़ी होती है, इसलिए उसको हिंदी में बोलते हैं बैलगाड़ी। उसका इंग्लिश जो वर्ड है वो है ब्लॉक कार्ट, और संस्कृत वर्ड में उसे बोलते हैं सकटम, क्या बोलते हैं सकटम। तो देखिए इस चित्रपदानी तीन में जितने जितने भी वर्ड हमने अभी पढ़े हैं वो सभी वर्ड में लास्ट लेटर जो है वो म आता है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन में म के बाद क्या आता है अ आता है। तो देखिए सभी में है, जैसे कि रत्नम में भी म है, छत्रम में भी म है, सभी लेटर्स के पीछे क्या लगाया जाता है म, क्योंकि ये कौन सा जेंडर है, कौन सा जेंडर बताता है न्यूटर जेंडर बताता है, और जो न्यूटर जेंडर है वो क्या चीज़ बताता है नॉन थिविंग लिंग्स, ठीक है। इस तरीके से चित्रपदानी तीन यहाँ पे हमारी हो गई कंप्लीट। चित्रपदानी तीन के बारे में हमने पढ़ा, अभी इसके बाद जो आती है वो है चित्रपदानी चार। तो भी चित्रपदानी चार में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो चित्रपदानी चार के अंदर जो हमने चित्रपदानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड में जो पढ़ा था उन सभी को मिक्स करके, ठीक है, चित्रपदानी चार में पढ़ाया जाएगा। इसलिए इस चित्रपदानी चार के अंदर मस्कुलाइन जेंडर भी आएगा, फेमिनाइन जेंडर भी आएगा और न्यूटर जेंडर भी आएगा, ठीक है। इसलिए चित्रपदानी फोर मिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं। चित्रपदानी फोर के अंदर फर्स्ट क्या है, देखिए फर्स्ट है अंकनी, अंकनी मीन्स पेंसिल। तो देखिए अंक नी आया तो नी प्लस ई, तो नी के पीछे ई लगाया जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा जेंडर हुआ, फेमिनाइन जेंडर हुआ, जो सेकंड वाला है वो सेकंड लेटर हम देखते हैं, सेकंड वर्ड उस वो है ग्रंथ, क्या बोलते हैं ग्रंथ, ग्रंथ इट मीन्स बुक, ग्रंथ इट मीन्स बुक। यहाँ पे देखिए ये ग्रंथ है उसको भी बुक बोलते हैं, और जो चित्रपदानी तीन हमने पढ़ा था उसमें क्या आया था, उसमें भी बुक वर्ड आया था, उसमें पुस्तकम बोला था हमने, और पुस्तकम को भी क्या बोलते हैं बुक। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें एक शब्द के कितने अर्थ हम निकाल सकते हैं, दो अर्थ निकाल सकते हैं, तो इसी तरीके से संस्कृत में भी एक शब्द के दो मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्रंथ भी बोल सकते हैं, ग्रंथ इट मीन्स बुक। फोर्थ थर्ड है वो है आभूषणम, आभूषणम इट मीन्स ज्वेलरी, जो हम पहनते हैं गहने वगैरह पहनते हैं ना उसको संस्कृत में बोलते हैं आभूषणम। फोर्थ है वो है कर दीप इट मीन्स टॉर्च, जब लाइट नहीं होती अंधेरा हो जाता है तब हम क्या करते हैं टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च को संस्कृत वर्ड है वो है कर दीप। फिफ्थ चमसह, चमसह इट मीन्स स्पून, जिससे हम क्या करते हैं खाना खाते हैं स्पून से, चम्मच हिंदी में बोलते हैं, उसका संस्कृत वर्ड है चमसह। सिक्स्थ जो है वो है लवित्रम, लवित्रम इट मीन्स सिक्कल, ठीक है, लवित्रम इस मीन्स सिक्कल। सेवंथ, सेवंथ जो है वो है अवकरिका, अवकरिका देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, अवकरिका र प्लस ई क प्लस आ, तो देखिए इसके पीछे क्या आया आ,
तो जो आ आएगा आ और ई वो कौन से जेंडर में आता है, फेमिनिन जेंडर में आता है, ठीक है। तो इसलिए अवकरिका इट मीन्स डस्टबिन, जिसमें हम कूड़ा वगैरह डालते हैं, कूड़ेदान हिंदी में बोलते हैं, इसका संस्कृत जो वर्ड है वो है अवकरिका। एट्थ है सच्चिका, सच्चिका इट मीन्स फाइल, जिसमें हम सारी चीज़ें रखते हैं फाइल, उसका संस्कृत वर्ड है सच्चिका। देखिए इसमें ये जो वर्ड है सच्चिका, उसमें लिखने पे हम कैसा लिखते हैं, ज और च दोनों साथ में लिखते हैं लिखने पे, मगर जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या हो जाता है, ज वर्ड जो है वो साइलेंट हो जाता है और सिर्फ बोलने पर च ही हमें हम सब बोलते हैं, इसलिए इसका हो जाता है सच्चिका, मतलब कि फाइल। नाइन्थ जो है वो है पिपीलिका, इट मीन्स आंट, ठीक है, इट मीन्स आंट। टेंथ जो है वो है गणनयंत्रम, गणनयंत्रम इट मीन्स कैलक्यूलेटर, जिसका हम हिसाब करने में यूज़ करते हैं, ठीक है, थीके? बड़े बड़े जो संख्या होती है उसका मल्टीप्लिकेशन करने में हम यूज़ करते हैं कैलक्यूलेटर, उसका संस्कृत वर्ड जो है वो है गणनयंत्रम। इलेवंथ है वो है द्रोणी, द्रोणी इट मीन्स बुकेट, द्रोणी इट मीन्स बुकेट। ट्वेल्थ जो है वो है पिज्जह, पिज्जह मीन्स स्वीट, पिज्जह मीन्स स्वीट। तो यहाँ पे जो चित्रपदानी चार है, वो चित्रपदानी चार के अंदर हम सब ने तीनों तीन चित्रपदानी एक साथ देख ली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो लेक्चर है चित्रपदानी तीन और चार, ये हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त हुआ, पूरा हो गया है, ठीक है। आशा रखती हूँ कि आप सभी को ये दोनों चित्रपदानी आज के लेक्चर में मैंने जो पढ़ाया है वो सब कुछ अच्छी तरह से याद हो गया होगा। थैंक यू।